गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 9th पार्ट 3 हो चुका था यहाँ तक, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, ठीक है। इंडिविजुअल्स के हाथ में प्रॉपर्टी थी, वो मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, वो कह रहे थे कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर ये जो इंडिविजुअल्स के हाथ में है ना, वो ये कह रहे थे प्रॉपर्टी सब में बटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, वट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब इसमें बोला जा रहा है कि बिना प्रॉपर्टी के सोसाइटी कैसे चलेगी। देखो प्रॉपर्टी तो होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी विल बी देयर, बट क्या होगा कि उसके वो कुछ हाथों में नहीं रहेगी, फ्यू हैंड्स में नहीं रहेगी, वो सब में बटी रहनी चाहिए, ऐसा मानना था इनका। तो आगे पढ़ लेते हैं। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। रॉबर्ट ओवेन, इधर पे हम चार लोग देखेंगे, मतलब चार लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, चार लोग अलग अलग की धारणाएं हैं उनकी, वो हम देखेंगे। रॉबर्ट ओवेन 1771 टू 1858, ठीक है, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडिया, इन इंडियाना यूएसए। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स इन फ्रांस। देखो यहाँ तक पढ़ो, रॉबर्ट ओवेन से, ये जो यहाँ पर कोऑपरेटिव्स है, यहाँ तक। इधर पे इनका मानना था, ओवेन का मानना था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए। सबसे पहले अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब क्या था कि ये ना इंग्लिश बोलते थे, ये कहाँ के थे, जो ये ओवेन थे, रॉबर्ट ओवेन, ये इंग्लैंड में जन्मे थे, बॉर्न इन इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पे पैसा कमाया, उसके बाद फिर यूएसए गए, यूएसए में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की। उनका आइडिया क्या था, उनका आइडिया ये था कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएं, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, सब लोग बराबर हो, एवरी वन विल बी इक्वल, और सब लोग अपना अपना काम करें, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। मतलब क्या हो कि एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, सबका सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी के में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, सारे इक्वल हैं और कोई गवर्नमेंट नहीं है। पर बिना गवर्नमेंट के कैसे पॉसिबल है, मान लो उनमें लड़ाई हो जाए तो फिर वो कौन सुलझाएगा। पर इनका, रॉबर्ट वोवेन का ऐसा मानना था। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएसए। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट, जो दूसरे सोशलिस्ट थे क्या वो उनको क्या लगता था, अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। उनका ये कहना था कि जब तक एक एक पर्सन पहल नहीं करेगा, जब हर एक पर्सन स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका मतलब कोऑपरेटिव कम्युनिटी जहाँ पर सब लोग इक्वल हों और कोई गवर्नमेंट ना हो, ठीक है, तो ऐसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक हर एक पर्सन इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं लेगा। यहाँ तक तो ये रॉबर्ट ओवेन का हो गया। फिर अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लुइस ब्लैंक का। लुइस ब्लैंक, उन्हीं का यहाँ पे लिखा है, दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव। इनका ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट हो फिर वो कोऑपरेटिव को इनकरेज करे। इसका मतलब कोऑपरेटिव विदाउट गवर्नमेंट ऑपरेट ना करें, गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट हो उसके अंडर में सब लोग फिर इक्वल हों, प्रॉपर्टी सबके लिए प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड हो। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, लुइस ब्लैंक 1813 टू 1882 वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। इनका ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स इनकरेज करे, कोऑपरेटिव इसका मतलब सबके पास इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी हो और कैपिटलिस्ट को हटा दे, ठीक है, उनकी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सब में इक्वल डिवाइड कर दें। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाई मेम्बर्स। इनका ऐसा मानना था कि सब लोग साथ मिलकर काम करें, जो प्रॉफिट हो सब मिल बांट के खा पी लें। अब देखो इन दोनों की ना जो आइडियोलॉजी थी ना, कुछ खास मायने नहीं रखती है बजाय कार्ल मार्क्स के, ठीक है, ये थोड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे ज़्यादा, इन्हीं का ही आगे डिस्कशन हुआ है, इनका तो सिर्फ ऐसे ही रेफरेंस दिया गया है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। इन्होंने फिर अपने आइडियाज़ बताना स्टार्ट किए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज अ कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने ऐसा बोला कि जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट ओन्ड दी कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर। उनका ऐसा कहना था कि इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं उसमें किसी भी फर्म में, इंडस्ट्री में, उसके बाद होता क्या है कि पूरा काम वर्कर करते हैं और प्रॉफिट ले जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ऐसा ही होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट ही पैसा ले जाता है, जैसे अभी यहाँ रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है, वर्कर काम करते हैं और प्रॉफिट जो होता है वो मालिक का होता है, ठीक है। तो इनका कहना था कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, पैसा बस लगा देते हैं, बाकी पूरा जो प्रॉफिट है वो वर्कर्स के द्वारा बनाया जाता है। प्रॉफिट मतलब गुड्स बनेगा, बिकेगा, वर्कर बनाएंगे उसको, और पैसा जो है मैक्सिमम अमाउंट वो कौन ले जाता है, कैपिटलिस्ट, ऐसा इनका मानना था। द कंडीशन ऑफ द वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। इनका ऐसा मानना था कि जो प्राइवेट लोग हैं वो प्रॉफिट तो ले जा रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ के जो वर्कर्स की कंडीशन है, मतलब वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को अपना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए,
समझो एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, कंपनी का अच्छे खासे प्रॉफिट्स है। अब कंपनी ऐसा कर सकती है कि वो एक प्रॉपर एसी लगा दे, जिसकी वजह से क्या रहेगा, वहाँ ठंडा रहेगा तो वर्कर को काम करने में मदद मिलेगी, अच्छे इन्वायरमेंट में वो काम कर पाएंगे, ठीक है। पर कैपिटलिस्ट क्या सोचते हैं, नहीं हमें एसी लेना पड़ेगा, उसके लिए बिल आएगा तो हम वो न भरें। प्रॉफिट अच्छा खासा है, वो बिल ईजिली एफर्ड कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे। तो कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि उनकी वर्कर्स की कंडीशन बहुत बुरी है, उन्हें बहुत बुरी कंडीशन में काम कराया जा रहा है, वेजेस कम दी जा रही हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, ठीक है। तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं, ये लोग प्रॉफिट के चक्कर में उन पर कम से कम खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं कि वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका ऐसा मानना था कि जो वर्कर हैं वो निकाल देंगे इनको, कैपिटलिस्ट को, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपना राज कर लें। वर्कर्स हैड टू ओवर थ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है उसे हटा दिया जाए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। उनका ऐसा मानना था कि जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो उनको, उनसे अगर फ्री होना है तो वर्कर्स हैज टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। अगर उन्हें कैपिटलिस्ट से फ्री होना है तो तुम लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ऐसी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी कि जहाँ पर क्या हो, सोसाइटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस सोसाइटी को क्या बोला जाएगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी। मतलब इनका ऐसा मानना था कि उन्हें निकाल दो, कहने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बाहर कर दो कैसे भी करके, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो सब लोग आपस में। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स कुड ट्रम्प इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स कुड ट्रम्प इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, मतलब क्या करो कि तुम लोग उनके यहाँ काम मत करो या उन्हें हटाकर फेंक दो, और क्या फेंक दो मतलब हटा दो यहाँ से, और बाकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। अब जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ थे ना, ऐसे आइडियाज़ थे, उन्होंने बुक्स भी लिखते थे, तो उनके आइडियाज़ स्प्रेड हुए, ऐसे आइडियाज़ स्प्रेड हुए कि रिवॉल्यूशन ही आ गया फिर, ठीक है। अब इधर पे पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। देखो हुआ क्या था, बाय द 1870 तक हुआ क्या, पहले कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। कैपिटलिज्म मतलब वो लोग, क्या होता है कि वो लोग जिनके पास अपना पोटेंशियल है, उन्होंने काम किया, आगे बढ़े, ठीक है, और सोसाइटी में उनका अच्छा खासा नाम है, उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह ओन कर ली, क्यों, क्योंकि उन पर उनके पास वो टैलेंट था। सोशलिज्म मतलब वो लोग जिनके पास टैलेंट वगैरह नहीं है तो वो पीछे रह गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कौन, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है SC ST OBC वालों को, जनरल वालों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस रखेगी 800 और SC ST OBC वालों के लिए रखेगी 450, ठीक है, उनके लिए इतनी कम, हमारे लिए ज़्यादा। हमारे लिए मार्क्स रखेगी पास होने के लिए 500 एग्ज़ाम्पल, उनके लिए रखेगी 280 कम, ठीक है। तो गवर्नमेंट, ये सोशलिस्ट सोसाइटी है जहाँ पे क्या होता है, जो जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है वो तो आगे बढ़ गया, जिसके पास पोटेंशियल नहीं है उसको फिर गवर्नमेंट आके सपोर्ट कर दे रही है। अब 1870 तो मैंने आपको बता दिया ना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या फ़र्क है। कैपिटलिज्म जिसके पास जितनी ताकत है, पोटेंशियल है, आगे बढ़ जाओ, सोशलिज्म सबको इक्वल लेकर चलेंगे। बाई दी 1870 तक क्या हुआ, सोशलिस्ट जो आइडियाज़ है वो स्प्रेड होने लग गए थ्रू यूरोप, पूरे यूरोप में, ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस बनना, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुए। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। अब क्या हुआ, ये जो छोटे छोटी पार्टीज बन रही थी, ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, एसोसिएशन बन रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सारे साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा सेकेंड इंटरनेशनल। अब सेकेंड इंटरनेशनल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो ये राज चलता था वो किसका चलता था, कैपिटलिस्ट वालों का चलता था। कैपिटलिस्ट वाले राजा राजा सब आपस में दोस्त थे, उनका एक ग्रुप था, तो वो फर्स्ट इंटरनेशनल था। अब क्या हुआ, सारे जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, लेबर्स हैं, अब इनका ग्रुप बन गया है इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए इसे सेकेंड इंटरनेशनल, क्योंकि अभी तक सिर्फ कैपिटलिस्ट वालों का ग्रुप बनता हुआ आया था। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। देखो जर्मनी के जो वर्कर्स हैं, इंग्लैंड के और इवन फ्रांस के भी, स्पेशली पूरे इन यूरोप में, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में, इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन बनाना स्टार्ट किए। किस लिए, कि बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले और टाइम कम हो। उन्होंने फंड्स जुटाना इकट्ठा किए, देर सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। उन्होंने ऐसा फंड्स, पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट किए, क्यों, ताकि क्या है, जो आसपास ये जो ग्रुप है, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाए हैं, इनको फंड की ज़रूरत हो तो ये लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, ठीक है। तो ये, और इन्होंने क्या डिमांड किया, कि हमें राइट टू वोट मिले, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब देखो ये जो छोटे छोटे एसोसिएशन थे ना,
इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लिया। कोई भी बात अगर आपको आपकी पहुंचानी है ना गवर्नमेंट तक, तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आप जल्दी पहुंचा सकते हो आसानी से और इफ़ेक्टिव वे में। ठीक है, आपको कोई भी बात पहुंचानी है तो आप इफ़ेक्टिव वे में, आपने समझो किसी कांग्रेस के विधायक को बोल दिया एग्जाम्पल, या किसी बीजेपी के विधायक को कि हमारी बात आप पहुँचा दो, या किसी सांसद को बोला तो वो बात आपकी पहुँचा देगा। आप ऐसे नहीं पहुँचा पाओगे क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन हो, वो एक पॉलिटिकल मेंबर है। तो एसोसिएशन ने क्या किया, इनके साथ जुड़ना स्टार्ट कर दिया, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी इलेक्शन वाली। देखो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज तक इलेक्ट थी लेकिन आज तक इलेक्शन नहीं जीती थी। क्यों नहीं जीती थी, क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं था। अब ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है, इनको सपोर्ट कर रही थी तो लोग क्या कर रहे थे, फिर इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का काम क्या था, लोगों को न्याय दिलाना। ठीक है, तो ये एसोसिएशन जो हैं इसके साथ जुड़ रहे थे, तो एसोसिएशन की बात जो है वो इसके थ्रू पहुँचेगी, मतलब फैलाई जाएगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के थ्रू। और सीधी सी बात है, जो हमारे भले के लिए काम करेगा हम उसके साथ जुड़ेंगे। तो एसोसिएशंस जो हैं, जो लोग हैं, ठीक है, सोशलिस्ट लोग, वो इसके साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। अब क्या हुआ, आज तक जैसे हुआ नहीं था, क्या कहते हैं, चुनाव वगैरह में ये जीते नहीं थे, तो ये जो एसोसिएशन हैं इन्होंने हेल्प किया इन्हें पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में। क्यों, क्योंकि इनके साथ अब लोग जुड़ गए थे, वो छोटे छोटे एसोसिएशंस। अब 1905 तक, बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, जापान, सॉरी इंग्लैंड एंड जर्मनी में ये सब हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे एसोसिएशन बने जर्मनी में, लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन में, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक क्या हुआ था कि सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। सोशलिस्ट जो हैं वो अभी तक यूरोप में गवर्नमेंट बनाने में सफल नहीं हो पाए थे 1940 तक। तो फिर जब इलेक्शंस हुए तो ये जो सोशलिस्ट यहाँ जो पार्टी बनी थी ना, ये जो एसोसिएशंस बने थे, यहाँ पे मैं एक मिनट आपको बता रहा हूँ, हवर टिल 1914 सोशलिस्ट सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। देखो सोशलिस्ट जो है इन्होंने गवर्नमेंट तो बना ली, इलेक्शंस जीते नहीं, ध्यान से सुनना, ये लोग इलेक्शंस जीते नहीं। देखो इनको कोई भी अपनी बात सामने रखनी है तो उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में सीट चाहिए। पार्लियामेंट में सीट तो मिल गई, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आया था कि पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में तो मदद मिल गई, पर हुआ क्या, कारण क्या है कि ये लोग वोट जीत नहीं पाए। वोट क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि मेजॉरिटी अभी इनकी नहीं थी, मेजॉरिटी कैपिटलिस्ट की थी, तो नहीं जीत पाए। लेकिन हाँ, एक दबदबा था, समझो ऐसा होता है ना कि बीजेपी की अभी मेजॉरिटी है, कांग्रेस की नहीं है। लेकिन क्या होता है, बीजेपी कोई भी कदम लेती है ना तो कांग्रेस उसको क्रिटिसाइज़ करती है, तो बीजेपी पर एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल अगर समझो महंगा हो रहा है तो कांग्रेस ने क्रिटिसाइज़ किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगेगा हाँ हमसे गलत कदम उठ रहा है, या हम ऐसा कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कांग्रेस वाले इसलिए बोल रहे हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो हो सकता है वो ना बोले और पब्लिक को और उत्साहन है। ठीक है, तो क्या हुआ, जीते तो नहीं थे लेकिन एक अच्छा खासा दबदबा था किनका, सोशलिस्ट वालों का। रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, बट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी रन बाई कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल। पर जो गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्ट ही लीड कर रहे थे, सोशलिस्ट वालों की गवर्नमेंट थी, पर होता क्या है, वो जीत नहीं पाए थे। क्यों, क्योंकि अभी तक इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, पर हाँ अपोजिशन में आने के कारण उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत हद तक ये लोग डिसीजन इन्फ्लुएंस कर पाए थे। थैंक यू, दिस पार्ट इज़ ओवर।